नमस्कार, पॉडकास्ट विथ अमित झा के नया एपिसोड में स्वागत है। एक टाइम रहे जहिया पढ़ लिख कर नौकरी करो के अलावा आरो कोनो उपाय नहीं छले लोग सब लग, लेकिन आई के जमाना में अहाँ ककरो नौकरी नहीं क के फ्रीलांसिंग क के सक्सेसफुली अपन करियर बनाब सकै छी। वही जगत के फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के आई हमारा स्टूडियो में हमार गेस्ट छथिन, एगो सक्सेसफुल फ्रीलांसर मधेश के एगो आइकन कहल जाए, प्रभात झा जी। तो हुनका सबसे पहिने स्वागत करो चाहब। प्रभात जी स्वागत है। धन्यवाद। जेना हम कहली कि फ्रीलांसिंग वर्ड के बारे में एहिठाम बहुत कम नॉलेज है, फ्रीलांसिंगों के बात करो सब पहिने अपने सब कनी अहाँ के करियर के बारे में बात करै छी। अगर वन वर्ड में कहल जाए तो प्रभात झा की छै? एगो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, फोटोग्राफर, केना अहाँ डिफाइन करबै? ओहिसँ पहिले एकटा बात ई कही जे आइकन कहलियै ने, ओ कनि भारी शब्द नाम से नहि छै। नहि छै भारी शब्द। हम फ्रीलांसिंगे करै छी काज। हम डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी करै छी, फिल्म मेकिंग सेहो करै छी। तऽ हमर काज जनरली न्यूज सबसँ रिलेटेड चीज सब, जेना अहाँके न्यूज रिपोर्ट्स भेलै, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भेलै, कहियो कालके न्यूज सबके लेल चाही ओकर फोटो एसेज सब, फोटो स्टोरी सब, एहन एहन काज सब हम करै छी। फ्रीलांस करै छी कैलाकि हम जहिया जहिया जे जे मीडियाके जरूरी होइ छै, जकरा सबसँ हम सम्पर्कमे छियै, जिनका सबसँ हमर गप होइत रहै छै, हुनका सब साथे काज करैत रहै छियै, तऽ हुनकर सबके काम टाइम एंड अगेन कमीशन्ड वर्क सब करै छियै हम। तऽ ओहि हिसाबे हम एम्प्लॉयड नहि छियनि किनको, ओ सब हमरा जे काज दै छथिन ओहि काजके एकटा सर्टेन वैल्यू होइ छै पैसाके हिसाबे, या ओ काज हम हुनका कऽ के दै छियै, ओहिके वापस हम अपन पारिश्रमिक पबै छियै। तऽ से छै, तऽ कहल जाए तऽ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर फिल्म मेकर, हम अपना आपके सेह कहै छी जी। तऽ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर और फिल्म मेकर जी। अगर कनी अहाँके बैक जाइ छै कनी चाइल्डहुडमे, तऽ अहाँके फैमिली बैकग्राउंड केहन रहै? एगो सामान्य परिवारसँ अपने अबै छियै या एकटा सम्पन्न परिवारसँ छियै? हमर सबके घर एहिठाम महोत्तरीमे एकटा हरदिया गाँव छै, छोटका गाँव छै, ओहिठाम हमर घर अइ। हमर सबके घर अखनो ओतै छै। हमर सबके घरमे पढ़ाइ लिखाइके कनि महत्व सब दिनसँ कनि बेसी रहै। आर्थिक रूपे कहबै तऽ हमसब सामान्य गृहस्थ रहियै, ताहिसँ ओ पारिवारिक बैकग्राउंड एकटा मिडिल क्लास रहै, लेकिन हमर बाबाके बाबूजी यानी कि परबाबा अपना सब कहै छियै, तऽ ओसब ग्वालियर यूनिवर्सिटीसँ पढ़ल रहथिन। हमर बाबा बढ़िआँ, हुनकर पढ़ाइ लिखाइ बढ़िआँ रहल रहन, बाबूजी सबके सेहो पढ़ाइ लिखाइ प्रतिके एकटा अथी रहै, ताहिसब हिसाबे हमरा सबके ओहि साइडमे हमर सबके इंटरेस्ट रहै। आर्थिक सफलताके दृष्टिकोणसँ कहल जाए तऽ हमसब सामान्य रही। आओर अहाँके केना एहि फील्डमे किछु पहिनेसँ झुकाव रहै, जेना बचपनेसँ फोटोग्राफरे बनैके शौक रहै, कि ई बादमे आबि कऽ ई शौक जगलै? नहि 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 नहि, एक्चुअली अपना सब ओहि समाजमे नहि रहै छियै जाहिमे सबके सुविधा भेटै छै। हमरा आब आबि कऽ हम ई करै छी तऽ हमरा खुशी अइ एहि चीजके, लेकिन अपना सब तऽ जहिया पढ़ै छियै तऽ इसकुल पढ़ैके रहै छै, SLC आयरन गेट छै ओ तोड़ैके छै, तब डिसाइड करै छी जे आब कतेक तेज छै तऽ डॉक्टर इंजीनियर बनतै, या तऽ ओहिसँ कनि कमजोर छै तऽ, लेकिन आदमीके उद्देश्य तऽ रहै छै तऽ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनब या MBA करब, ताहि लए कॉमर्स पढ़ब। आ आर्ट्स लोक नहि लेने पढ़ै छै, अपना सबके उम्र आर्ट्स कतेक पढ़ैके नहि रहै, आब पता नहि केहन छै आज, मना कि एखन तऽ आर्ट्स सबसँ बढ़िआँ तऽ हमरा बुझाइए अपना सबके उम्र मैनेजमेंट पर बेसी फोकस छै ने, मैनेजमेंट मध्य मार्ग जकाँ छै सोसाइटीके। हम एहिठाम देखलियै, हम 10 स्टूडेंटके अगर पूछै छियै कि कथी कऽ रहल छै तऽ सब मैनेजमेंट मैनेजमेंट, या तऽ BBA BBS मोस्टली 10+2 के बाद। एकर एकटा कनि इनफॉर्मल रीजन हमरा विचारसँ, साइंस पढ़बै अगर तऽ साइंस पढ़बै तऽ पास करऽ पड़ै छै, लाइबिलिटी छै, कनि बेसी टेक्निकल कोर्स छै। आर्ट्स लोक एतऽ आब आर्ट्स पढ़िके की कयल जा सकै से अपन सबके समाज बढ़िआँ जगह बुझबे नहि करै छै, ताहिसँ आर्ट्सके लोक बुझै छै जे कमजोर फैकल्टी छै, आ मैनेजमेंटके बीचके चीज बुझै छै, मैनेजमेंट इज कूलवला चीज छै, ताहिसँ बेसी अपना सबके हमर देखैत हेबै। आ ओकरे एकटा
प्रोडक्ट हमहू हैव जे हम बाबूजी के कहलिए साइंस पढ़ब तो बाबूजी कहलिए बेटा पढ़ल है तो पढ़िए लेकिन कते काल पढ़े से पढ़ल हेतु कि नहीं सेहो सब अपन अपने सोचिए तो हम कहलिए बाबा हमर कहथिन जे आर्ट्स पढ़ लिटरेचर पढ़ इधर लेकिन हम अपन स्कूल के टॉपर रही SLC में तो हम कहलिए जे आर्ट्स पढ़ू सेहो नहीं भेले साइंस पढ़ू तो ओते पढ़ल हैत कि नहीं चलो ठीक से मैनेजमेंट इज ए मध्य मार्ग वह कॉलेज तो हिसाब मैनेजमेंट पढ़लिए हम प्लस टू के लिए तकर बाद बैचलर के लिए बैचलर में लोग 3 वर्ष में करे से हम 5 वर्ष में के लिए हमरा लग अथी कहे एग्जाम में फेल हो तब जे एग्जाम थ्योरेटिकल एग्जाम सब चाहे जे आरो एग्जाम सब रहे कते चीज सब वो सब बढ़िया जगह भ गेल जे एग्जाम सब में बहुते बेसी हिसाब सब रहल तो हमरा मैथमेटिक्स वाज नॉट माय थिंग तो बैचलर हां मतलब मैनेजमेंट साइड से के लिए हां मैनेजमेंट से के लिए लेकिन के लिए फाइनली एक दो साल हमरा बेसी लागल के लगे पास कर के रहे लेकिन वो हमर चीज नहीं रहे हम और मिस्टेक रहे लेकिन अब तैयो बैचलर कर के रहे के लिए तकर बाद हाँ हम ओत पढ़ाई हमर बैचलर लेवल तक के आर्ट्स के जना बात के लिए अपने कि मतलब हम स्कूल के टॉपर रही तो हमरा अपनो आर्ट्स लेवल में कनी समस्या जका बुझा लिया कनी कहू ना अपन रेपुटेशन से कम बुझाए से तो एना ई नैरेटिव केना सेट भ गेल छै अपना सबके इमहर खास कर मधेश में हम देखै छियै बेसी कि टॉपर स्टूडेंट छै तो ओकरा साइंस से लेबहेक चाही तेहन वाला एकटा नैरेटिव सेट छै तो ई केला कथी रीजन हेतै के पास और एक तो चीज लोग के आर्ट्स के स्कोपो नहीं बुझल रहे बढ़िया जगह ओ में हमू रही हमरो नहीं बुझल रहे आर्ट्स के स्कोप कते से अपना सके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में हम जत रहिए तत मात्रे आर्ट्स के प्रयोग केना रहे तो हम देखिए सब गोटा पहले साइंस पढ़ावे के मतलब है कि डॉक्टर इंजीनियर बनल है मात्रे साइंस पढ़ते तो लोग अपन परिवार के आय स्तर देखलक जे हम पढ़ावा सकबे कि नहीं सकबे वही हिसाब बहुत से आदमी वही ठन छटा जाए जे हम नहीं पढ़ावा सकबे हम नहीं अफोर्ड करा सकबे तो साइंस पढ़ा वाला किस कम लोग रहे कॉमर्स लोग पढ़े लेकिन कॉमर्सो उतने बेसी लोग नहीं पढ़े अपना सबके हमर कल कि कॉमर्स पढ़ते तो वही सबके हिसाब के उतने प्राइवेट सेक्टर नहीं से उतने इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट भेल जगह नहीं रहे वही टाइप के नौकरी के अपॉर्चुनिटी सब नहीं रहे आर्ट्स लोग पढ़े तो चूँकि अपना सबके कोनो भी सरकारी नौकरी में बी ए बी कॉम बी एस सी तो बी ए व सो सरा सब दिन बुझाए जना आर्ट्स जैसे से अहाँ के सबसे लोअर बेंच मार्क जगह देखल जाए और लोग पढ़बो करे केओ लैंग्वेज पढ़े केओ लिटरेचर पढ़लक अपना सबके आर्ट्स मैथ्स इकोनॉमिक्स सब सब चीज है लेकिन तैयो अपना सबके हमर देखिए बेसी मेजर इंग्लिश मेजर नेपाली सोशियोलॉजी सब लऽ कऽ लोग पढ़े पहले तो तहिया ओते स्कोप नहीं सेहो बुझल रहे लोग के हमरा बुझे अखनो नहीं बुझल छै सोचै अपन सबके सोसाइटी में अखनो देर आर्ट्स के स्कोप बढ़िया जगह लोग नहीं बुझल छै वही हम अभी चले आब तो हां दुनिया घूमै छै एखन है ना तते नहीं कनी कनी जी रिलेटिवली आइटम सब बाहरो जाइ छै आब अहाँ देखलियै ओ चेंज आइटम कुछ सब्जेक्ट के लक या एखनो डॉक्टर इंजीनियर बैंक के मात्रे सिक्योर मानै छै ओने हमरा त कम से कम ओने फील होइए अगर दू तीन गोटा के बुझा दो तीन टा एकदम एग्जाम्पल मात्रे सफिशियंट नहीं छै किछ लोग अगर हम देखने हेबे भेटने हेबे जे ओ टाइप के पढ़ाई केने हथिन एहिठाम वो वैकल्पिक चीज मात्रे छै कि जे आब केकरो अपन धगी धक डिग्री कऽ लेबऽ के छै तैला होए किनको आर्थिक रूपे वो है चीज नहीं हेतन किनको पैसन से हो हेतै आर्ट नहीं भ सकै छै लेकिन ओ ओहन आदमी के संख्या बड़ कम छै कम छै नहीं तो केओ एकटा चीज आरो छै एठन के एकटा डुप्लिसिटी जे अब बेटी के पढ़ाबै छै तऽ इहो कह के सोसाइटी के जे बेटी के पढ़ाबै छै आ ओकरा मतलब सबसे अब आर्ट्स में बेसी पैसा नहीं लगै छै रिलेटिवली साइंस या कॉमर्स से कम पैसा लगै छै तऽ इहो कह लेवल जे कमती में बेटी पढ़ो रहल है ओकर बैचलर लेवल सेहो हेतै मास्टर्स लेवल सेहो हेतै लेकिन ओहो पढ़ाइयो भ रहल छै ओकर हमरा अपना खर्चा कम भ रहल है समाज के देखावल है जे हम कंजर्वेटिव नहीं छी लेकिन
ओहो सब लए कते आदमीके देखै छियै जे ई फैकल्टी बेसी चूज कयल, जे हम एहिसँ 15-20 वर्ष पहिले हो देखिए, आब अखन कनि ओ चीज कनि चेंज भेल हेतै। अखन हम देखै छियै जे बहुते महिला सब सेहो मैनेजमेंटमे बेसी छनि, छै बहुते, अब आर्ट्समे मात्र नहि, लेकिन ओवरऑल आर्ट्सके बुझल, हमरा बुझाइ जे अपन सबके समाज आर्ट्सके जे विराट फॉर्म छै से नहि बुझा से नहि बुझा सकल छै। अच्छा, एहिमे मैनेजमेंट या कॉमर्सके प्रति जे झुकाव बेसी छै अपना सबके इमहर एहि समाजमे, ओ कतौ नहि कतौ, मतलब बैंकिंग जॉब बहुत सिक्योर होइ छै सेहो कहि कऽ छै, बैंकिंग सेक्टरके जॉबके पिछला 20 सालमे जे एकटा पॉपुलैरिटी बढ़लैए ओहो एकटा कारण होबऽ सकैए। बैंकिंग जॉबके चलते आब ई सब्जेक्ट सब जतेक अपना सब बाजि रहल छी जखनके बारेमे, तऽ आब हमरा जतेक अपना अनुभव अइ ताहि आधारपर कहै छी जे बैंक सब तऽ ई बड़ा रिसेंट छै ने, तऽ बहुते बैंक सब जे 1-2-3 प्राइवेट सब होइ छै, तऽ आइ काल्हि तऽ एकदम इट मशरूम अप टू एकटा बड़का लेवलमे। अच्छा यऽ, नीक चीज सेहो छै जे बहुते आदमीके रोजगारी सेहो दै छै, तऽ ई बढ़िआँ चीज छै। आओर ताहि हिसाबे हमरा बुझाइए जे बहुते लोक कॉलेजमे मैनेजमेंट चूज करै छथिन अपन हायर स्टडीजमे, जे कहलकि एटलीस्ट बैंक तऽ छै, जे बैंक सेहो एकटा बढ़िआँ एवेन्यू छै एहि चीज सबके लेल, तऽ ओ तऽ चीज छै, स्वाभाविक छै जे ओ दऽ रहल छै बैंक ओ स्कोप, लेकिन सिक्योरिटी नहि दऽ रहल छै। आब हाँ, सरकारी नौकरी होइ तऽ कनि सिक्योरिटी छै, आब प्राइवेट सेक्टरमे की छै जे प्राइवेट सेक्टर अनअकाउंटेड छै, कि प्राइवेट सेक्टरके अपन मोडालिटी छै, कनि आर्बिट्ररी छै ओ सब। जेना एखन तऽ बैंकिंग सेक्टरमे जे हिसाबसँ इनस्टेबिलिटी देखल जा रहल छै, ओहि हिसाबसँ तऽ अगला जे आब एहि तरफ जाके सोचि रहल छलै हुनको सबके एखन आब फ्यूचरमे दिक्कत आबऽ सकै, नेपालके बैंकिंग सेक्टरमे खास कऽ एखन तत्काल जे अपने सब समस्या देख रहल छै, कुछ बैंकके सबके डूबऽ तकके बात आबि रहल छै, तऽ ओहि सबके सेहो तऽ आखिर कॉमर्स पढ़ऽवला मैनेजमेंट पढ़ऽवला स्टूडेंट सबके फ्यूचरमे करियरमे इफेक्ट आबऽ सकै ओहि सबके। आओर जखने अहाँके जतऽ नौकरी भेटत सेह स्पेस श्रिंक भऽ रहल छै, तऽ ओकर इफेक्ट तऽ स्वाभाविक रूपसँ हेबे करतै, अब ओ केना डेवलप होइ छै आगूके दिनमे। एहिमे हम चाहै छी अपने सब फ्रीलांसिंग पर बात करब, ओहिसँ पहिने लेकिन कनिक अगर पछा चली अहीँके लाइफमे, कॉलेज अहाँ बीबीएस के लिए, तऽ बीबीएस एहिठाम तऽ जनकपुरसँ केलिए? हाँ, जनकपुर। अच्छा, कोन कॉलेजसँ? रारा बसुर। तऽ कॉलेज लाइफके बारेमे केहन रहै ओहि टाइम, केना राजनीति बहुत होइ, आइ रिलेटिवली कम छै, कि केना फील होइ अहाँके? यौ, हमसब जे प्लस टू तक पढ़लिए तऽ प्लस टू इसकुले तक वाला वातावरण रहै, ओना की होइ पहिले जे 10 क्लास तक विद्यार्थीके एकटा डिसिप्लिन या ओकर लाइफ स्टाइल एक रङ्गके होइ छलैए, तकर बाद लोक कॉलेजके मुँह देखलक तऽ लाइफ चेंज भऽ जाइ छलै, तकर बाद बच्चाके लोक खिसिएलक नहि, मास्टरो नहि खिसिआइ छलै कॉलेजमे सेहो, आओर मास्टर तऽ बच्चाके नहि पिटतै नहि कॉलेजमे, तऽ ओहिसँ बहुते लोकके कनि एकटा लिबरेशन सेहो छलै ओ लोकके, जे लोक कॉलेजमे जाइ छलै तऽ बुझाइ छलै आब हम मेच्योरिटीके रास्तामे, आब कॉलेज गेलाके मतलब पहिले 16 बरसमे चलि जाइ छलै लोक SLC दऽ कऽ, तकर बाद आ प्लस टू दऽ कऽ गेल तऽ 18 बरसमे गेल, तऽ हम इंटरमीडिएट सेहो राराबामे फॉर्म भरने रहिए, लेकिन हमर SLC नीक मार्क होबऽके कारण हमरा एकटा प्राइवेट कॉलेजमे बढ़िआँ स्कॉलरशिप ओसब ऑफर केलथि, जे हमरा नहि बुझल रहै, तऽ हम देखलियै, तब कहलियै ठीक छै तऽ एहिठाम पढ़ब, तऽ ओतऽ पढ़लियै, तकर बाद हम राराबामे बैचलर पढ़ऽके लेल गेलियै। हमसब जहिया राराबामे पढ़ऽ गेलियै तहिया अहाँके पढ़ाइ लिखाइ बड़ कम होइ, सब क्लास नहि होइ, 1-2-3 क्लास होइ, 5 सब्जेक्ट हमर सबके जे मानि लिअ होइ तऽ 2 क्लास होइ, कहियो 3 क्लास होइ, ओसब कनि लेस ऑर्गेनाइज रहै। हमरा सबसँ कनि पहिले एकटा फेज रहै जाहिमे कॉलेजमे जातीय वायलेंस बड़ भेल रहै, हमरा सबके टाइममे आपके वायलेंस कनि कम भऽ गेल रहै। हम 2057 सालके बात कहै छी। अच्छा, तऽ वायलेंसके हिसाबे कनि कम रहै, राजनीति रहै जोर शोर पर। ओ टाइम मधेसी पहाड़ी वाला सेहो अथी एकटा डिफरेंस के वाला टाइम रहै, ओहन कुछ वायलेंस भेल रहै या नहि? तहिया मधेस पहाड़ वाला वायलेंस नहि रहै, तहिया एक्चुअली तहिया ई रहै ने जे तहिया पहाड़ी मधेसी दुनू समुदायके लोक एतऽ रहै जनकपुरमे जहिया, तऽ आब एक तऽ स्वाभाविक रूपसँ वी वर को एग्जिस्टिंग, तऽ पहाड़ीके कल्चर बहुते मधेसियो सब किछु किछु
मतलब न यंग जेनरेशन में हमर गांव के दादी नहीं करथिन, लेकिन जे हम सब जे इंटरैक्ट करै छी ओ दोसर कल्चर से, तो कल्चरली हमहू सब किछ किछ इम्पैक्टेड छलिए, इम्प्रेस्ड छलिए, किछ किछ ओहो सब छलिए। तैसँ दुनू पक्ष एक दोसर साथे को एग्जिस्ट एकटा लेवल पर तो करे, लेकिन एकटा चीज रहे जे पहाड़ी के एक लेवल के डोमिनेंस एठवन रहे, तो ओ आब मानि लिअ कॉलेज में झगड़ा हेतै आ ओहिमे स्वाभाविक रूप से पहाड़ी के ओते संख्या नहीं हेतै, तैसँ ओकर ओकर रिफ्लेक्शन ओहि ढंग के नहीं रहे, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में पहाड़ी के ठीक ठाक रहे अथी, लेकिन अहाँ के ब्यूरोक्रेसी से लगकर आरो सब जगह पर पावर सब सब डायनामिक्स में ओकर डोमिनेंस रहे। लेकिन हमरा सब के समय में जी कहबे जे तेहन कोनो झगड़ा चाहे तेहन कोनो कन्फ्लिक्ट ओहि टाइप के सरफेस पर कथु नहीं आयल रहे, वी वर को एग्जिस्टिंग टुगेदर इन अ वेरी गुड वे। सो बैक देन जनकपुर वाज मोर ऑफ अ मिक्स सोसाइटी। या इट वाज तो आई के जनकपुर अहाँ जो देखे आई रिलेटिवली तहिया से कनी कम मिक्स है, है ना, मधेसी पहाड़ी के अगर एंगल से देखिए तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े लॉन्ग रन में या नेगेटिव भेले अहाँ के कथी विचारी हो? एक हमरा हमरा जो पूछब हम व्यक्तिगत हमर व्यू तो हम सब जहिया रहे तहिया बड़ा मिक्स सोसाइटी रहे, तो ओकर अपन एक ढंग रहे, ओ एक सेट सिस्टम रहे, अपना सब पंचायती व्यवस्था में रहिए जैमे एक जातीय बाहुल्यता रहे, आ ओ बाहुल्यता के रिफ्लेक्शन से वही हिसाबे माइग्रेशन रहे, वही हिसाबे जॉब अपॉर्चुनिटीज रहे, तो वही हिसाबे जे 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 समुदाय के जते पहुँच रहे ते हिसाबे वो सब सब अपन माइग्रेट केने रहे, तही हिसाबे बहुते लोग जनकपुर में सेहो रहथिन। एक टाइम में अहाँ के अहाँ देखबे जे राणा या काठमांडू के किछ एलिट फैमिली सबके जमीन जगह सब गोदार में, रघुनाथपुर में, मोहतरी, शमसी, कनमा, सीतापुर, भंगा, इधर तो बहुत जगह सब है, तो वो सब अब ओकरा सबके अब फेवर भेटल रहे या पुस्तौनी प्रॉपर्टी रहे जे रहे, तो वो ओहि हिसाबे प्रेजेंस रहे पहाड़ी कम्युनिटी के अठमन, तो एक मिक्स सोसाइटी रहे जैमे लोग एडॉप्टेड रहे, तो ओ एक स्टेटस को रहे अपन किस्म के, लेकिन जखन मधेसी के चेतना मधेसी प्रति के व्यवहार जे राज्य के रहे से 46 साल में आयल प्रजातंत्र के बाद ओकर बेल ओकर बाद भेल माओवादी जनयुद्ध के एक फेज, ई सब प्रोसेस में जे लोग अपन अपन जगह से अपन अपन अधिकार के लेल आंदोलित भेले सब ढंग से, एहि प्रोसेस में मधेस सेहो ई चीज रियलाइज केलकै जे हम सब मतलब काठमांडू में हमर स्पेस किए से तो प्रॉब्लमेटिक छेबे करे, ओहि के साथे हमर अपनो जगह पर हमर की स्पेस है वो चैलेंज रहे मधेसी के लेल। हाँ, जेना हम सुनने छी अब तो टाइम में तो हम सब एज काफी कम रहे तो हमरा निक जगह याद नहीं, लेकिन जो सुनी छी अब कि वही टाइम में जना अंचलाधीश सब रहे है ना, आ वो ऑब्वियसली पहाड़ी कम्युनिटी से बेसी रहे, तो ओकरा सबके डोमिनेंस वो सब जे अहाँ के ग्राह्यता दे बेसी पहाड़ी कम्युनिटी के लोग सबके, तई वजह से पहाड़ी कम्युनिटी के डोमिनेंस जैसे मधेस में से बहुत ज़्यादा रहे, मतलब छोटो कोनो काम कराब के लिए अहाँ के कतौ ने कतौ वही एंगल से जाए पड़े तब जाके मात्रे काम सब हुए, तो अही के वजह से तो आखिर विरोधो भेल हेतै ने। अच्छा, स्वाभाविक छै डोमिनेंस एकटा पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के या एकटा पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के डोमिनेंस रहे, जेना अंचलाधीश वाला फेज कहबै तो अंचलाधीश वाला फेज में हमहूँ सब बच्चे रहे, हम सब सीडीओ वाला फेज बेसी याद है हमरा सबके, हमरा सबसे कनी पहले हमरा सबके याद होबे से कनी पहले अंचलाधीश वाला फॉर्मेट लगभग लगभग ऑब्सोलीट भ गेल रहे। हाँ, लेकिन ई रहे जे अहाँ के सरकारी ऑफिस सब में बड़ा कम मधेसी आदमी भेटित, टेक्निकल ऑफिस सब में भेट जाए, ड्राइवर में भेटित या कतौ कतौ इक्का दुक्का, जना हम कहलहुँ हमर ग्रैंडफादर भूमि सुधार अधिकृत रहथिन, तो फाटफुट कतौ कतौ केओ केओ कतौ रहे टेक्निकल कोर्सेज, आप जना जनकपुर सिगरेट फैक्ट्री रहे, तो सिगरेट फैक्ट्री में फिर बहुते मधेसी रहे, कैलाकि वो टेक्निकल काज रहे, ओहिमे भाषा से बेसी स्किल्स के जरूरी रहे, कैलाकि भाषा के डोमिनेंस सेहो एकटा फैक्टर होइ छै ने। आ दोसर बात कथी होइ छै जे नेचुरल प्रोसेस छै जे लोग स्वजातीय के चिन्है छै, तऽ जे पावर में रहे तेकर
से जरा फेवर कलके डोमिनेंस हाई रहे आ वही टाइम में अहाँ के मधेश के लोग सबके स्पेस आ वो लोक सेवा कम्पीट ओकर सक्सेस रेट की छे ते के चलते या ओकरा सबके देल गेल अवसर की छे ते के लेल चलते या कोनो पोजीशन निकलले तो ओहिठाम ऑलरेडी बाहर के आदमी जे छे जे ऑफिसर छे जे तक अधिकारी छे ओ अधिकारी ऑलरेडी अपन आदमी के कह देलके तखन ओ स्पेस एकदम श्रंक रहे। तो हम आगे ई कहे छलहुँ तखन जे किछु फेजेज ऑफ आंदोलन सबसे वही प्रोसेस में मधेश के सेहो ये रियलाइज भेलै आ तकर बाद मधेश ओहि चीज के रिवोल्ट कर धीरे धीरे भितरे भितरे रहे वो चीज गुमसल आग रहे कैलाकि हम विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्ट से बेसी प्रेम कैलाकि सब अपना सब ह्यूमन बीइंग छी सद्भाव छै एथनिक एथनिसिटी डिफरेंट होइ छै ओ पहाड़ी छै हमर साथी छै हम मधेशी छी वी आर ऑल इक्वल अगर सब गोटा समान रूप से रेस्पेक्टेड स्टेज में रही आ सबके अथॉरिटी आ सबके अधिकार आ सबके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक रंग रहे तो हमरा कोनो हम व्यक्तिगत हमरा थोड़े दुश्मन मधेश खोजबो तो वह कह रहा है ओकरा से हम अलग छी या ओकरा से बढ़िया छी से तो मधेश नहीं कहियो कॉल के मधेश आखिर इक्वालिटी खोजल के ना हमेशा कि खोजल के हाँ इक्वालिटी हाँ डेफिनेटली इक्वालिटी खोजल के इक्वालिटी एक रिस्पेक्ट खोजल के हम अपन देश में छी हमरा अपन देश में अहाँ हमरा सेकेंड डिग्री हम सेकेंड क्लास नेपाली फील करै छी अहाँ हमरा अहीं एते नेपाली हमहूँ छी तऽ पहिले लोक एहि के लेल स्ट्रगल केलकै आ आब लोक के की छै जे हम अहाँ से याचना सेहो नहि करबै छी इसके। हाँ जेना हमहूँ हमरो पहाड़ी दोस्त सब छै तऽ हमहूँ कहियो एहन राजनीतिक अगर डिस्कशन होइ छै तऽ हम हुनका सबके इहो कहि दै छी मजाक मजाक मे कि अहाँके ठप्पा हमरा नहि चाही मतलब नेपाली होबऽ के लेल अहाँके स्टैम्प के जरूरत नहि छै ने हम नेपाली छी से अहाँ लिख कऽ देबै तबे हेतै से वाला बात नहि छै। आब हमरा बुझाय मधेश ओहि अथीसँ आगाँ बढ़ि चुकल छै जब एखनो कुछ साल पहिने तक हम देखै छलियै एगो स्लेव मेंटालिटी जकरा कहै छै कि मतलब ने पहाड़ी सबके अप्रूवल चाहबे करी हर चीजमे कतबो विरोध कऽ लेतै एकटा केओ पहाड़ी आबि जेतै तऽ ओकरा खुश करऽमे मतलब लोकसब लागि जाइ छलै विभिन्न सेक्टरमे ई चीज हम देखै छलियै लेकिन आब बहुत हद तक ओ मिनिमाइज भेलै कैलाकि आब मधेशी सब जगह जगह पहुँचलै पोजिशनमे पहुँचलै पावरमे पहुँचलै तऽ ओ चेंज आबि रहल छै जेना हमरा फील होइए। तऽ नहि नहि ओ चेंज तऽ अयलैए ओ चेंज अयलैए लेकिन की छै जे अपन सबके संविधान एखनो बहुते ढङ्गसँ अपूर्ण छै छै संविधान फ्लॉड संविधान छै ताहिसँ ई चीज अहाँके बहुते चीज जे एड्रेस होबक चाही ढङ्गसँ जाहिसँ हरेक जगहके लोकके एकटा एकटा ऑटोनॉमी फील होइ से एखनो संविधान ओ ढङ्गसँ ओतेक प्रिसाइज ओतेक कैटेगोरिकली क्लियर भऽ कऽ नहि आयल छै। आ संविधानके अगर बात करबै तऽ जेना एगो जनरल आदमी जाहिसँ बुझऽ सके अहाँ विद्वान छी एगो अहाँ नीक जकाँ पढ़ने हेबै बुझने हेबै ठीक छै सही बात छै लेकिन संविधानके अगर अहाँ जते बुझने छियै या जेना कहलियै कि फ्लॉड छै एगो आम आदमीके कैलाकि बहुत लोकके इहो कन्फ्यूजन रहै छै कि आखिर प्रॉब्लम कतऽ छै जेना पहाड़ी कम्युनिटीके लोकसब अगर एकटा रिबटल दै छै ने तऽ ओ ई रहै छै कि मेरो जते अधिकार छ तपाईँले पनि त्यति पाउनु भएछ आखिर प्रब्लम के छ त्यसमा तँ ओहिके केना ट्याकल केओ गर सके ओहि विषयमा अगर फ्लड कैला छ फ्लड कैला छ एक्चुअलीमा फ्लड कैलाकि एकदमै सेन्स कथी बनै छै जे अपना सब कतौ अपना सबके जे अधिकार सब देल गेलै तऽ मधेश कथीके लेल फाइट केने रहै मधेशके भेटलै कथी तऽ मधेशेके बात नहि छै एहिमे जनजाति सेहो छै एहिमे दलित छै मुसलमान छै महिला छै मधेशी छै आरो भी ऑप्रेस्ड क्लासके लोकसब छथिन जे सब राज्यके शक्तिके बराबरीके भागीदार दुर्भाग्यवश नहि बनऽ सकल छथिन या बनऽके प्रक्रियामे छथिन ओ सब ग्रुपके लेल सब क्लस्टरके लेल सब क्लस्टरके किछु डिमांड्स रहै जेना अहाँके ई अहाँके संविधान जे बनलै तऽ संविधानमे अहाँके माओवादी राज्य पुनर्संरचना समिति जे प्रपोज केने रहै ओकर सबके एकटा दूटा मॉडल रहै बुझाए एकटा हमरा नम्बर एकदम बढ़िआँ छै एक्सपर्ट नहि छै अपना सब लेकिन एकटा रहै 11 प्रदेशके 10+1 आ एकटा रहै आरो एकटा 12 रहै कि 13 रहै कि 8 रहै एगो रहै 14 स्टेटके मॉडल अगर अगेन हमसब अपने एक्सपर्ट नहि छै ओहिके तऽ देखै पड़तै लेकिन हमरा जे एगो याद जे एगो लास्ट तक एक्सेप्ट होवला मॉडल रहै ओ रहै 10 फिजिकल स्टेट
प्रोविंस आ प्लस एकटा शोषित वर्ग के लेल विदाउट बाउंड्री एगो प्रदेश के परिकल्पना केने रहे आ वो प्रैक्टिकली कते पॉसिबल रहे वो तो नहीं पता लेकिन अल्टीमेटली अपना सर नंबर में नहीं जाए ठीक है दूसरा जो परिकल्पना रहे वो परिकल्पना के आधार में एक तो चीज कथी जो वो सब कॉम्प्रोमाइज नहीं केने रहे वो सब पहचान के संस्कृति के इस सब के मानक रखने रहे जे के आधार पर प्रदेश बनाएल जेते तकर बाद भी चालो अल 2072 में जो भूकंप अल तकर बाद जो फास्ट ट्रैक संविधान बनले तैठमन एकटा विशिष्ट खासे निश्चित वर्ग के या समुदाय के या जाति के दू तीन टा आदमी दू तीन टा मेल मिल के डॉक्यूमेंट बनेलके जाहिमे सातटा छटा प्रदेश के कल्पना रहे परिकल्पना सुरखेत में लड़ाई भेले एकटा आदमी अथी भेले बुझे एठुन एक आदमी के सेहो आंदोलन में एकटा आदमी के मृत्यु भ गेल रहे तो ओइ कॉस्ट पर एक दिन के बाद ओकरा रिकंसीडर कयल गेलै आ सातटा प्रदेश कयल गेलै आ जे मधेस अहाँ 22 बूंदे 8 बूंदे समझौता केने से दू बेर दूटा आंदोलन में जाहिमे ओकर सबके 100 आदमी मरल छै तै कम्युनिटी के अहाँ जे चीज आनि के देलियै ताहिमे अहाँ ओकरा टेरिटोरी के एकदम काटि देलियै यू रिड्यूस्ड इट टू द मैक्सिमम 22 डिस्ट्रिक्ट के 8 में आनि देलियै तो अनफेयर रहे कैले कि झापा के मधेसी के साथ वो बेईमानी रहे वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी के मधेसी के साथ बेईमानी रहे लेकिन आप डिवाइड एंड रूल हो जते मतलब एना देल गेलै जे जते छोट से छोट ट्रबल मेकिंग स्पेस राखी तते बढ़िया जना बुझाइ छै स्टेट में लॉ मेकर सबके सेहो बेसी हाँ तखन के हेजेमोन सबके दिमाग में ई रहन ओहि हिसाब जे बनलै आ तक बाद एकटा चीज वो भेलै दोसर बात अहाँके जखने अहाँके अथि श्रृंक कऽ देत स्पेस श्रृंक कऽ देत तकर बाद अहाँके कॉन्स्टिट्युएंसी सब श्रृंक भऽ जायत तकर बाद अहाँके वॉइस के नम्बर सुनाय रिप्रेजेंटेशन जतय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जतय छै पार्लियामेंटेरियंस जतय बैसै छै तैठमन अहाँके रिप्रेजेंटेशन ओहो हिसाबे श्रृंक भऽ गेल दोसर बात अहाँके जते लोक अइ ओहिठमन ओहि लोक के अहाँ जे संख्या छै ओहि हिसाबे अहाँ ओकर वोटिंग वोट पॉपुलेशन शेयर जे छै ओहि हिसाबे अहाँ कॉन्स्टिट्युएंसी के शेयर देबै सेहो नहि छै से तऽ नहि छै ने तकर बाद अहाँके संघीयता के मॉडल में नेपाल अइ लागि गेलै जे अपना सब जे बहिष्करण में पड़ल रहै ने ओकरा सबके मेन स्ट्रीम करऽ के लेल कनी एकटा वैज्ञानिक उपाय आगू अपना सबके अखन के वर्ल्ड में जे जते एग्जाम्पल सब छै से सब देखला से एकटा वैज्ञानिक उपाय लोग के की बुझेलै जे फेडरेशन में जाय ओहिसँ लोग आरो इंक्लूसिव सोसाइटी स्टेट इंक्लूसिव हेतै फेडरलिज्म हेतै फेडरल ओ चीज पावर डिवोल्यूशन में जेतै आ सब अपन अपन काज कर सकतै सब अपन अपन जगह प्रदेश बनतै प्रदेश लग बहुते अधिकार रहतै ओ अपन आदमी के अपने कैटर कर सकतै ओहि यूनिट जगह लेकिन सेहो नहि भेलै प्रदेश अहाँके फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर होइ छै एगो जेना राष्ट्रपति के एकटा पद भेलै तही हिसाबसँ सेंटर के होबय के छलै एगो मुँह देखाबै वाला या प्रमुख के हिसाब से आ जहाँ तक हम बुझने से कनी फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में तो बॉर्डर प्रोटेक्शन करेंसी या फॉरेन पॉलिसी अई के अलावा तो बेसी पावर नहीं रह के चले सेंटर लग बाकी पावर आवे के चले स्टेट में प्रोविंस में आ प्रोविंस के अंडर अब स्थानीय तब ने कुछ प्रोविंस काम करब सके चले आई यहाँ के नेपाल के जो फेडरल स्ट्रक्चर से बिल्कुल वही स्कीम वही पिरामिड में तो नहीं पड़ी से अहाँ के सेंटर से सेंटर के बाद डायरेक्ट स्थानीय तह से आ सेंटर के अंडर फिर प्रदेश और प्रदेश और स्थानीय तह के बीच में लोकल बॉडीज के बीच में कोनो डायरेक्ट रिलेशन छेबे नहीं करे एकटा कहै छै ने कहावत छै कि एकटा आइटम के मेयर के सीएम से बेसी पावर छै ने तो आखिर ये तो फेडरल स्ट्रक्चर बनेबे नहीं केने छै ने ओहि हिसाब से जेना बुझाइ छै कि के जैन बुझ के फेल कराब के अनपॉपुलर कराब के हिसाब से बनाएल थ्री टेंट हो बक्स है ने त बॉटम टू अप टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम तो ओ कोहेरेंस ओ तारतम्य में छेबे नहीं करे आगे प्रदेश के एकदम सी के लाल सर कहे छथिन जे वाइन ग्लास वाला शेप के अपना सबके देश के अखन के राज्य व्यवस्था छै जेमे सेंटर में सब पावर छै स्टेट पकड़ वाला ओकर हैंडल छै नीचा के बेस छै से लोकल गवर्नमेंट छै आ लोकल गवर्नमेंट लग राइट छै लेकिन लोकल गवर्नमेंट लग राइटो एना देल गेल छै जे प्रदेश बेसी पावरफुल नहि होय तहु ला आ दोसर बात ओ अकाउंटेबल छै ओ रिपोर्ट करै छै फिर सेंटर के एग्जैक्टली
ताहिसँ ई संघीयताके अहाँके दूटा तीनटा आन्दोलन आ मधेशके एकटा बड़का डिमांडके संघीयता दऽ कऽ अहाँके देल गेलै जे ली अहाँके संघीयता अइ, लेकिन ई संघीयता कोनो काज केने छै? जेना बनाना रिपब्लिक एकटा होइ छै ने, हम एहि संघीयताके बनाना फेडरल स्ट्रक्चर, एहि संघीयता ई एहन रूप से संघीयता के जे संघीयता में अहाँ जनता से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं छी, अहाँ लग विकास से बजट सब अइ, आब ओहिमे समाज मात्रा में जते चारित्रिक रूप से जते निक खराब छै तेना परफॉर्म कर रहल छै, लेकिन अहाँ जनता के सर्विस डिलीवरी करय के लेल कोनो भी योजना या कोनो भी डिसीजंस में नहीं होबय के कारण ई अहाँ फेल हेबे ने, अहाँ फेल हेबे आ जनता अहाँके ओहिसँ वितृष्णा में जायत, तखन एतै के लोग जे एतय के लेल लड़ मरय के लेल तैयार रहे संघीयता के लेल सेहे आदमी में से किछु किछु आदमी बाजय लगे छै जे तू संघीयता बाधा भऽ गेलै, संघीयता खर्चिलो भऽ गेलै, जखन ई सब कथु नहि छै, खर्चिलो कथु नहि भेल छै, संघीयता इज नॉट अ बिग इश्यू, केओ गाड़ी चढ़ि लेलक हमर अहाँके नेता फलना चलि, ओ सब बड़का भारी बात नहि छै, ओ बड़का खर्च नहि छै, जखने ओकरा सबके अधिकार देल जेतै तखन ओ सब सर्विस डिलीवरी कऽ सकै, अखन ओ सब की करतै तऽ मठ मंदिर जानकी मंदिर सफाई आ फलना मदरसा निर्माण आ फलना धर्मशाला निर्माण, एहिसँ बेसी ओकरा सबके पावरे नहि छै। सही बात छै। तऽ प्रभात जी, अब राजनीतिक बात तऽ एंडलेस छै, है ने? आब हम चाहै छी अपने सब कनि दोसर अथी पर अभी, मधेशमे एखन जे यूथके एकटा बड़का पॉपुलेशन छै ने अपना सबके एम्हर, तऽ समस्या अहाँ जब देखै छियै अब एखनके यूथके, तऽ एहिठाम की समस्या सब देख रहल छै करियरके हिसाबसँ अगर अपने सब बात कयल जाए, तऽ जेना हम कते देखलिए कि एकटा एकटा मतलब लोक सेवा आओर बैंकिंग सेक्टर खास कऽ इएह ऑप्शन छै, एहिके अलावा राजनीति हेतै आओर NGO वगैरह, एहिके अलावा बेसी खासे ऑप्शन एहिठाम यूथ सबके नहि बुझाइ छै करियर वाइज, तऽ अहाँके केना बुझा रहलै एहिठाम रियलिटी इएह छै कि यूथ सब एक्चुअलीमे ऑप्शन सबके बारेमे नहि जानि कऽ मात्रे ओतेमे सीमित रहि चुकल छै? यौ, एकटा चीज कथी हमरा बुझाइए जे रियलिटी किछु हद तक सेहो छै, लेकिन एहि विषयमे बाजयमे सबसँ पहिले हमरा बुझाइए जे अपनासभके मधेशमे युवा जे छै तऽ ओ युवा शहर बाजारवला युवाके संख्या कम छै आ गाम घरमे युवाके संख्या बेसी छै, नेचुरल छै, शहर कम होइ छै गाँव बेसी छै, तऽ अपनासभ सब गोटाके जे देखबै तऽ ग्रामीण युवा आ शहरके युवा ओकरा सबके कनि अपॉर्चुनिटी, ओकरा लग कते साधन छै, ओकरा लग की केना अवसर छै, से सबमे कनि जरूर छै जे कनि फर्क रहै छै, एकटा गामके लड़काके पढ़ाइके एक्सेस करैके लेल कनि दूर जाय पड़तै, भऽ सकै हुनकर आर्थिक अवस्था तेहन हुए कि नहि हुए, शहरके बच्चाके कनि रिलेटिवली इजियर रहै छै कनि, ओहो जरूर डिपेंड करै छै केना, तऽ लेकिन सबसँ बड़का समस्या कथी छै जे अहूमे तऽ राजनीतिए छै ने, तऽ सबसँ पहिले अहाँके शिक्षा खत्म कऽ देल गेल एहिठामके, एहिठामके शिक्षा बहुत थर्ड क्लासके लेवलमे छै, आई एम सॉरी हमर जगह अइ, लेकिन हमर जगह अइ तऽ मतलब सब चीज हमरे नीक, ओ कहऽवला अन्धा आदमी हम नहि छी, ओना कहब नहि चाही, जे रियलिटी छै से तऽ अपन सबके पढ़ाइ पहिले रहै, हमसब जहिया पढ़िए तऽ सरकारिए इसकुलमे पढ़िए, ओतेक बढ़िआँ नहि रहै, राधाबा कॉलेज सबमे सेहो कतेक सर सबके देखिके सेहो दया लागे हमरा, बेचारा सब हमर साथीके बाबू केओ केओ बहुत सीनियर सर सब, लेकिन ओहो सब मतलब पहिले केना होइ ने लोक जे बैचलर पढ़ली इंटर केली तेहन कोनो बढ़िआँ करियर नहि भेल, तऽ जे पढ़यवला सब रहल से मास्टर डिग्री तक कऽ कऽ अच्छा राय अहाँ मास्टर डिग्री छी तऽ अहाँके प्रोफेसर लेक्चरर सबके जॉब इजीली भेटै, ओना हम सब गोटाके नहि कहै छियनि, किछु किछु लोक सब बाय रियली डीपली रिस्पेक्ट, लेकिन किछु किछु सब तैयो रहै, लेकिन तैयो कथी रहै एकटा चीज जे पढ़ाइ शिक्षा ओहि साथे जुड़ल आस्था रहै कि लोकके, हम अपन पढ़ाइमे हम अपन कोनो क्लासके एग्जाममे फेल भेलियै, हमरा सर रास्ता देने जाइ छथिन, हमरा आगूमे कहीँ पढ़ि जेथिन तऽ आइ हमरा डर होइ तऽ हम नुका जाइए जे ओहि सरके आगूमे हम नहि पढ़ी, नहि तऽ कहथिन जे एतेक बढ़िआँ करै छलै तू फेल भऽ गेलै से, तऽ ओहि सब टाइममे सिन्सियरिटी कनि रहै डिफरेंट, अखन तऽ ई पूरा पूरी ध्वस्त भऽ गेल छै, ताहिसँ हम अहाँ ओहि ढंगके मैन पावरे नहि प्रोड्यूस कऽ रहल छियै, गाँव घरमे धियापुता सब छै कनि दिन इसकुल जाइ छै, मास्टर मारै छै तऽ कहै छै मारै हम नहि जायब इसकुल, माय लग रहै छै, माय बाबू विदेश रहै छै, हँ मोस्टली तऽ सएह कहानी छै ने,
या तऽ जनकपुर आबि जाइ छै या नियर अर्बन सेंटरमे जाइ छै जे हम अपन बच्चाके शहरे बाजारमे लऽ जाके पढ़ायब। बेचारी बेचारा जे होइ खर्चा करै छै अपन, आ ओ प्राइवेट इसकुलमे पढ़ाबै छै, ओकर प्राइवेट इसकुलके रजिस्ट्रेशन लाइसेंस छै कि नहि, ओ कए क्लासके आदमी पढ़ाबै छै कि नहि, कहलकै सरकारी इसकुलमे जेतै ने, सरकारी इसकुलके हालत अपने खराब छै। धीरे धीरे कथी भऽ जाइ छै जे 8, 9, 10 क्लास तक पढ़ैत पढ़ैत बच्चा ड्रॉप आउट कऽ देलक। आ ओ देखलक जे मानि लिअ हम बी ए बैचलर पासे कऽ लेब तऽ हमरा कोनो सोर्स छै जे हमरा नौकरी भऽ जायत, जे पढ़ने छै सेहो स्ट्रगलिंगे देखै छै। तऽ कहै छै जे ओ 20,000 रुपया कमाइ छै सरकारी नौकरी कऽ कऽ, हमर बाबू विदेशमे कमाइए 20,000, तऽ हम बड़ू विदेशे जायब। तऽ जे ओ एकटा जे छै ने जे बड़का ड्रॉप आउट छै अहाँके मधेशमे, हायर एजुकेशन नहि कम्प्लीट करऽसँ पहिले ही के जे ड्रॉप आउट सिनेरियो छै ने, से बड़ा गन्दा छै। आ दोसर चीज छै जे ऑप्शन्स सब जे अहाँ तखन कहलियै जे ऑप्शन्स लोकके बुझाइ छै, एकटा कहलियै अहाँ बैंकिंग सेक्टरमे, एकटा लोकसेवामे। लोकसेवा अपने कते देशमे की होइ छै जे प्राइवेट सेक्टरमे सेहो सरकारके किछु बाध्यकारी अवस्था रहै छै। अगर अहाँके कम्पनीमे 20 स्टाफ अइ तऽ ओहि 20 स्टाफमे अहाँके 10 स्टाफ या 6 स्टाफ या सर्टेन नंबर्स इंक्लूसिव रहक चाही। ओहिमे सब ओ चीज सब अपना सब ओहिठाम रिजर्वेशन ओहि टाइपके पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशनके चीज सब नहि कए सकल छै प्राइवेट सेक्टरमे। ताहिसँ मजबूरी कथी छै जे यूपी जेना पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग मात्रे बाकी रहि जाइ छै। ओना प्रदेश त्रदेश अयलासँ कनि अपॉर्चुनिटी कनि बढ़लैए, लेकिन ओ एतयके अनएम्प्लॉयमेंटके कैटर करयके ओकर ओतेक बड़का संख्या नहि छै। अहाँके बैंकोमे अहाँके जतेक बैंक खुलल होइ जतेक नौकरीके अवसर दै छै, हम अहाँ एतय तऽ सब आदमी विदेश चलि जाइ छै ने, ताहिसँ अपन हमरा अहाँके ओ प्रेशर नहि फील भऽ रहल अइ ने। अगर ओसभ जे एतहि रहितै तखन अहाँसभके ई तऽ ऊँटके मुँहमे जीर बुझाइ छै जे अवसर छै। ओहिके लेल कतहु तैयारी नहि छै, ओहिके लेल ई राज्य नहि तैयारी कयने छै, ओहिके लेल नहि प्रदेश तैयारी कऽ रहल छै आ नहि प्रदेशके पावर छै जे ओ तैयारी कऽ सकैए। नेपालके तऽ GDPके 22% रेमिटेंसेसँ कहै छै अबै छै, आ ओ अपनेसभ देखबो केलियै ओहिके इफेक्ट कोरोनाके बाद जब बहुत सारा लोकके वापस आबय पड़लै। कोरोनाके टाइमसँ जे चरमरायल छै नेपालके आर्थिक अवस्था, से एखनो तक तऽ रिकवर नहि करऽ सकलै। ओहिमे बहुत बड़का हाथ तऽ आखिर ओहू चीजके छलै कि विदेश आबयवला रेमिटेंस घटि गेल रहै, टूरिस्ट सभ सेहो घटलै आओर रेमिटेंस खास कऽ घटि गेलै। ओहिके वजहसँ जे इकोनॉमी डोललैसँ एखन तक रिकवर नहि करऽ सकलै। तऽ विदेशपर या ओहि रेमिटेंसवला पैसापर अपनेसभ कतेक डिपेंडेंट छै, ओ तऽ आइ काल्हि सभ देखे रहल छै मार्केटमे। अहाँके दोकानो ये बढ़िआँ जगहपर तऽ ओहिमे आबयवला कस्टमरसभ एकदमे खतम भऽ गेल छै, पूरा मार्केटके ओ अवस्था भऽ चुकल छै एखन तक। तऽ ओ तऽ पूरा तरीकासँ नेपाल ओहिपर डिपेंडेंट छै। हम उएह खासमे पूछय चाहलियै, कैलाकि अभी एकटा पॉप्युलर अथी भऽ कऽ मात्रे लोकके ऑप्शन नहि बुझाइ छै, या कैलाकि आइके एजमे हमरा जेना बुझाइ कि इंटरनेटके पहुँच एखन सभके लगभग घर घरमे छै, भले ओतेक सम्पन्न परिवारसँ नहियो हेतै तैयो हेतै। तऽ एहिमे जेना अहाँके बुझाइ कि फ्रीलांसिंग चाहे ओ विभिन्न सेक्टरमे होबय सके, ओहिके फ्रीलांसिंग एकटा एगो अल्टरनेटिव बनो सके ओहि चीजके। फ्रीलांसिंग तऽ एकटा मॉडल मात्रे भेलै, मॉडल मात्रे छै। फ्रीलांसिंग जस्ट एकटा मॉडल छै, काज करैके मॉडल छै। हम 10-5 सरकारी ऑफिसमे जाकऽ काज करी या 10-5 कोनो प्राइवेटके लेल काज करी, या तऽ हम अपने लेल काज करी, तऽ फ्रीलांसिंग हम अपना लेल काज करैके एकटा मॉडलिटी छै। आ दोसर बात कहलियै अहाँ जे हम अहाँ प्रोएक्टिवली जे अच्छा मानि लिअ राज्य नहि देलक, मानि लिअ प्रदेश नहि दऽ रहलै, मानि लिअ हमर सभके हालत खराब छै, मानि लिअ हमसभ अपन जगहपर छी, लेकिन आब जे अवसर छै या जे अवस्था छै ओही अवस्थामे हमसभ अपना लेल कथु सृजना केना करऽ सकी। अगर अहाँके प्रश्न ओहि तरफ अइ तऽ ओहिमे जरूर छै कि हँ आइ काल्हि हमरा लग छै टूल्स छै जे हम अहाँ इंटरनेटके माध्यमसँ बहुते ग्लोबल कैपिटल्स या ओ स्पेससँ कनेक्ट भऽ सकै छै, जाहिठाम छोट छीन या बड़का या धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली छोटसँ बड़का होइत बहुते चीज ओहो टाइपके। जेना हम अपने अथी कामके एगो एग्जाम्पल देबय चाहै छी फ्रीलांसिंगमे, हम एहि लए जोड़लियै ओहिके कैलाकि हमहूँ एकदम निम्ने परिवारसँ अबै छलियै। तऽ शुरूमे हमहूँ जेना फ्रीलांसिंगे केलियै, डिजिटल मार्केटिंगके फ्रीलांसिंगे टाइप केलियै, कोनो केओ स्टाफ नहि रहै, ऑफिस नहि, किछु नहि। तऽ फ्रीलांसिंग कऽ कऽ बादमे जेना जेना प्रोजेक्ट एलै, जेना कहियौ ने पैसा बढ़ैत गेलै, ओहि हिसाबसँ ओहि फ्रीलांसिंगके फेर एज अ कम्पनी मॉडलमे
हम ओहिके सक्सेसफुली ट्रांजिशन केलिए। तऽ आ फ्रीलांसिंग तऽ जेना अहाँ कहलिए एकटा मॉडल मात्र छै कि हम ककरो लेल खास कऽ काम नहि करै छी, हम अपना लेल काम करै छी, सेल्फ डिपेंडेंट छी, केओ ने स्वरोजगार के आइडिया, स्वरोजगार के जे कहै छै रहल छै से भेलै सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अहाँके अगर अहाँके अहाँ अपना लेल अवसर केना क्रिएट करै छी अपनेसँ अपना लेल अवसर, तऽ ओ छै देखियौ अब की छै जे समाजमे 10 टा आदमी जे होइ छै, 10 टा आदमीमे 200 टा आदमी रोजगारके क्रिएटर सेहो नहि रहै छै, ओ कनि अपनासँ बेसी अपेक्षा कऽ लेबै, ओ बड्ड कम आदमी होइ छै जे स्ट्रगल कऽ कऽ अपना लेल अपनेसँ स्पेस क्रिएट करै छै। हमहूँसभ काज करै छी, फ्रीलांसर छी, तऽ ई नहि छै जे सभदिन गोल्डेने डेज रहै छै, केओ कलके दिक्कतो होइ छै, केओ कलके काज नहि रहै छै, केओ कलके कए कए महीना तक सेहो काज नहि रहै छै। अगर अहाँ जे टाइपके अहाँ जे अपन मॉडलमे काज करै छी, अहाँ जे ढङ्गके काज करै छी, अहाँके जे अपन काजके एकटा स्टैंडर्ड अहाँ रखने छी, अहाँ कतय कोन चीजसँ नीचा नहि गिरब, कोन चीजसँ ऊपर मात्रे काज करब, से सभ चीज छै। तऽ ओहिसभ हिसाबे अहाँके फ्रीलांस जे काज करयवला सभ छै, तऽ सोसाइटी मे एकटा चीज तऽ छै जे अहाँके क्वेश्चनसँ तऽ अहाँके सेन्टिमेंटसँ हम एग्री करै छी जे अवस्था नहि छै, लेकिन तैयो एहिठाम प्रयास कयल जाय तऽ अवसर सभ इंटरनेटके माध्यमसँ होय या आरो दोसर चीज सभ छै, लेकिन कथी होइ छै समाजके सभ आदमी ओते ओते क्षमतासँ इक्विप्ड भऽ कऽ नहि आयल। हम बातसँ एग्री करै छी, लेकिन हमरा कहऽके मतलब ई छलै कि मतलब गवर्नमेंटेपर 100% डिपेंड होनाइ या हमेशा आशा राखऽसँ बढ़िआँ जे टूल अवेलेबल छै एटलीस्ट ओहिमे ट्राई तऽ करऽ सकैए ने युवा सभ, करऽ सकैए, लेकिन एक्चुअली तेहूमे कथी छै ने जे अहाँ कमतीमे ओकरा किछु क्लास तकके पढ़ाइ तऽ बढ़िआँ क्वालिटीके देबै, मानि लिअ 10-12 तकके क्लास तकके पढ़ाइ जे सरकार फ्री देतै या क्वालिटी एजुकेशन देतै, तकर बाद जे एकटा तबका तैयार हेतै ओ तबका एहि ढङ्गसँ सोचऽ सकतै ओहन टाइपके, आ नहि तऽ अखन तऽ ई विशुद्ध रूपसँ जेकरा जातिगत रूपसँ या आर्थिक रूपसँ अवसर भेटल छै ओ फैमिलीके किछु बच्चाके बाहे हम नहि देखै छियै जे जनरल इन जनरल जे बड़का पॉपुलेशन छै ओ अपना लेल रोजगार क्रिएट करतै, ओकर अवस्था ओतेक हँ करै छै, किछु लोक कैला नहि करै छै, मुर्गा फार्म खोलै छै, किछु लोक उखू फार्मिंग करै छै, बैक टू किसान मतलब किछु फार्मिंग सभके मॉडल सभ छै तहूमे जाइ छै, कतेक आदमी कऽ रहल छै, पहाड़ सभ जे बहुते सक्सेसफुल मॉडल सभ सेहो छै ओकरो, ओना ओहो ओतेक बेसी नहि छै, लेकिन न्यूज पेपरमे अबै छै जे विदेश भन्दा यही राम्रो से वाला आइडिया कतौ अहाँ करू बढ़िया करू जिंदगीमे जे अहाँके हँ एकटा चीज छै जे अपन जगह छै, अपन जगहके लोक एकटा अकाउंटेबिलिटी अपन प्रेम ओ स्वाभाविक छै, ओ रहक चाही, ओ फोर्स चीज नहि छै, लेकिन हमरामे रहत अहाँमे रहत तऽ हमरा नीक लागत जे जनकपुरके लेल या मधेशके लेल या नेपालके लेल सोचै छथिन, तऽ एकटा नीक फीलिंग छै। आई प्रभात झाके देख कऽ अगर केओ मान लियो अही जगह एकटा सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल नहि छी, आई एम सॉरी, इट्स अ प्रोसेस, अब सक्सेस के तऽ बहुत सब्जेक्टिव चीज भऽ गेलै, हम जे चीज करै छी से हम वएह चीज करऽ पाबि रहल छी, हमरा नीक लगैए, ओहि प्रक्रियामे हम किछु किछु बढ़िआँ चीज केने छी जे हमरा बुझाइए जे हँ हमरा कनि अपना खुशी होइ जे सभ हमर अचीवमेंट अछि, हम जतयसँ अबै छी हम जतय तक पहुँचल छी एहि काजमे तऽ ओ हमरा खुशी दैए, ओ सभ गोटाके स्नेह छै। सक्सेसके परिभाषित करनाइ तऽ बहुत मुश्किल छै, नहि अगर मानि लिअ केओ फिल्म मेकर बनऽ चाहै छै, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनऽ चाहै छै या फोटोग्राफीमे इंटरेस्टेड छै तऽ एहिमे केओ करियर बनबऽ चाहै छै तऽ अहाँ ओकरा की सजेशन देबै? तऽ हम ई सभ करैतमे हम फोटोग्राफी तकके हमरा बच्चामे सेहो नीक लागे, कैमरा साथेके प्रॉक्सिमिटी नीक लागे, हमर एकटा छोटका फोटो छै बच्चामे 6-7 सालके रहै खाना कालके, कैलाकि हमर बाबूजी फोटो नहि खिंचा देने रहै, आई फाइंड दैट, लेकिन ओकर कोनो सम्बन्ध नहि छै जे हम तहिया फोटोग्राफर बनऽ चाहै छियै नहि, हम इंडिया गेलियै एतयसँ हम बैचलर केलाके बाद इंडियामे हम 2-3 साल काज केलियै, तऽ चूँकि एहिठाम ओतेक अवसर नहि रहै, हमसभ रहा बसे ओतेक क्वालिटी एजुकेशन नहि रहै, अपनो बदमाशी रहै, सभ सेल्फ डिसिप्लिनके बात सेहो रहै, ओतय गेली तऽ हमर मन कथी रहै जे एकदम मन लगा कऽ काज करब, गेली एकटा बढ़िआँ अमेरिकन कम्पनीमे काज केली 2-2.5 साल तक, लेकिन ओ अहाँके ऑफशोर काजसभ रहै जे तऽ नाइट शिफ्ट करय पड़ै, तऽ हमर कॉल सेंटर फार्मूला सेहे रहे, लेकिन हम सब केपीओ कहे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो कनी वेब बेस्ड कनी चीज सबके डिसीजन रहे, लेकिन वह आइडिया वह रहे कि अमेरिकन काज सब जे तो उभरल है काज सब जे एहि देश सबमे सस्ता दाम में होइ छै, तो ओकरा राति बिराति जखन हो एकटा बड़का जमात से करवेला ओकरा लेल जे पैसा अमेरिकन के कम पैसा पड़ते सेहो ओकरा लेल बेसी भेल, अखनो वह मॉडल छै। हाँ तो वह रहे, वही में हम काज केलिए,
2-2.5 साल काज केली, तकर बाद हम जॉब नहि ओते हमरा इंटरेस्ट नहि एला रहल, कैलेकि ओहिठमन कल्चर कहे अमेरिकन छै लेकिन सिस्टम दास्ता के हायरार्की जे रहै ना पूरा इंडियन रहे, या नेपाली अपना सबके अपना सबके एमर साउथ ईस्ट एशियन जे हिसाब किताब छै, तऽ हमरा ओहि चीज से हम बड़ा सोचने रही जे नहि हम नौकरी करबै तऽ एकदम हृदय से करबै, जे पढ़ाई लिखाई में कमजोरी भऽ गेल तऽ या माओइस्ट इंसर्जेंसी रहे, बहुते समस्या सब रहे जे सबसे किछु चीज बिखेर गेल रहे, लेकिन मन में हमेशा रहे जे किछु करती, तऽ ओहिठाम जाके पढ़ल लिखा के बात सब भेलै तऽ हम कहलियै बढ़िया जगह नौकरी करब, से सब केलियै, लेकिन कनी विद्रोह रहे मन में सब दिन से कि हम अहाँ के अल्टर बात हमरा नहीं बर्दाश्त हैत, कैलेकि हमर अपन जीवन में हमर जे है हमर पढ़ल लिखल या अपन बुझल चीज है वो हमर एकटा फाउंडेशन है कि जाहिमे हमरो अपन किछु एकटा हम अपन निजत्व के ओकर शक्ति के सेहो हम बुझै छी कनी, फिर एहिठाम अभिमानी होबा के बात नहीं छै, लेकिन केओ अहाँ साथ किछु अत्याचार कऽ लेत, केओ अहाँ साथ अनफेयर भऽ जायत, ओहि चीज के इजिली सहि जाय वाला आदमी हम नहीं रहे, ईगो कनी मनी एकटा ईगो अपन से रहबो करै छै, लेकिन तैयो एक दू साल तक काज केला के बाद बुझायल नहि नहि ई बढ़िया अवस्था नहि छै, तकर बाद हम ओहिठाम सँ नौकरी छोड़ि देली, ओहि टाइम मे हम फोटोग्राफी कनी कनी करऽ लागल रही दिल्ली मे, से सब करैत करैत शुरू केली, फोटोग्राफी केली 1-1.5 साल जते इंडिया मे, अच्छा 1-2 मेंटर सब रहथिन, किछु किछु काज वएह सीखैत रहै तऽ हम तहन कोनो सक्सेसफुल चाहे कतौ तऽ नहि रही तहियो, तकर बाद कनी बात एहिठाम व्यक्तिगत भीतर आंतरिक जीवन से जुड़ि जाइ छै, तहिया हमर साथी तहिया के अखन के हमर पत्नी, तऽ हुनका से हमरा सबके गप सप ओ हमर चीज सब देखलक, तो तू बढ़िया छै तऽ कैला नहि इहे चीज परस्यू करै छै, हुनका से दिल्ली मे भेट भेल रहा, तकर बाद ओहो से कनी बुझायल जे नहि ठीक छै, कैला कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव सब हम कलेक्ट करियै जे हम की हम एहिमे जा सकै छी कि नहि, तकर बाद हम काठमांडू मे किछु आदमी सबसे बतियैली, कहली जाइ छी नेपाल मे जाके फोटोग्राफी करब, एतऽ अयली वही सोचि कऽ, 1-2 किछु आश्वासन देने रहत, लेकिन ओसब कहलथि जे फ्रीलांस करबा तऽ करऽ, कैलेकि इन हाउस हमरा सङ्ग नहि पैसा अइ, हम सैलरी दऽ कऽ नहि राखि सकब, हम कहलियै फ्रीलांस करब तऽ पर पब्लिश्ड पिक्चर के 200 रुपया देब, तऽ हम कहलियै जे मानि लिअ 5-7 पब्लिश हेतै तऽ 1400-1500 रुपया हम कमायब तऽ दिक्कत छै, तकर बाद हम फिल्म्स मे ओहो आके डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबके फिल्म्स मे एकटा हमर साथी रहै एहिठमन फ्रेंच रहै ओ संजोग से, तऽ ओकरा लग एकटा प्रोजेक्ट रहै 2 फिल्म बनाबऽ के, लेकिन ओ फिल्म जे प्रपोज केने रहै एकटा हमर सबके साथिये छथिन सीनियर छथिन, हुनकर किछु अपन बिहेवियरल प्रॉब्लम सब रहै, ताहिके चलते आइडिया एकदम नीक रहै, लेकिन ओकरा सबके तऽ हमरा कहलक जे प्रभात ओहि आदमी पर हमसब कनी ट्रस्ट एहि लए नहि करै छी, ओना इंटेग्रिटी मे ठीक छथिन लेकिन हुनकर किछु पर्सनल एस्पेक्ट सब पर हमरा सबके डाउट अइ, जे तू अगर ई प्रोजेक्ट लीड करऽ चाहै छै तऽ तू एग्जीक्यूट करैक रह, तऽ ओ 2 फिल्म प्रोजेक्ट हम केलियै, तकर बाद कथी भेलै फोटोग्राफी से हमरा वीडियो तरफ चीज शिफ्ट होबऽ लागल, तकर बाद धीरे धीरे हम कनी कैमरा तैमरा सेहो चलाबऽ सीखऽ लगलियै, तकर बाद फेर अपने डिरेक्शन सेहो करऽ लगलियै, तकर बाद फेर तऽ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सब बनाबऽ के लेल अहाँके सिनेमेटोग्राफी डिरेक्शन स्क्रिप्ट राइटिंग इधर उधर वाला सब काज करऽ लगलियै, आ तहि प्रोसेस मे धीरे धीरे हम बाहर के इंटरनेशनल चैनल सबके लेल सेहो काज करऽ लगलियै, जाहिठाम हम कहियो काल के एज ए प्रोड्यूसर काज कऽ दै छलियै, जाहिमे कोनो टॉपिक छै ओहि टॉपिक के बारे मे ओ सब हमरा सँ कम्युनिकेट केलकै ओतऽ के टीम, तकर बाद हम एहिठाम के रिसर्च कऽ कऽ एहिठाम के आदमी सबके इंटरव्यूज सब पोटेंशियल के सब भऽ सकै, एतऽ के सिनेरियो बैकग्राउंड की छै तकरा सबके रिपोर्ट कऽ कऽ सेमाई जर्नलिस्टिक काज सेहो आ टेक्निकली सेहो ओहिमे कोन कोन इक्विपमेंट चाही गियर चाही ओकरा सबके की उपलब्ध छै की एतऽ ओ लाइन प्रोडक्शन के काज सेहो कहियो काल के हम ओकरा सब लेल विशुद्ध फोटोग्राफर के काज मात्रे कऽ दै छियै, कहियो काल के हम ओकरा सबके लेल सब चीज जेना एक बेर जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के लेल एकटा काज रहै ताहिमे ओसब एकटा नेपाल के एकटा लेडी छथिन लिली थापा एकटा वुमेन ह्यूमन राइट्स पर काज करै छथिन, तऽ हुनकर बारेमे सबसे पोर्टफोलियो सब अजर सब करऽ, तऽ ओ चीज सब पूरा ओहिमे सब चीज ओहिमे रिसर्च सँ लऽ कऽ स्क्रिप्ट सँ लऽ कऽ इंटरव्यू क्वेश्चन सब, तऽ ई सब डिपेंड्स ऑन कोन टाइप के काज छै, आब जेना अल जजीरा सबके लेल केने छी कहियो काल के हम, तऽ ओहिमे फोटो एसे सब केने छी, तऽ ओ हम अपन हमर अपन आइडिया हमर अपन विचार या कहियो काल के ओ सब कहै छै ई सब कऽ कऽ,
तो सब टाइपके कहियो कालके टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट मात्रे रहल, कहियो कालके टेक्निकल प्लस आर्टिस्टिक इन्वॉल्वमेंट रहल, तो ओहिसब फॉर्मेटमे काज करैत आबि रहल छै। आइ जते काज अहाँ कऽ रहल छी तऽ ओहि टाइममे तऽ नहि सोचने हेबै जहिया मानि लिअ ओहि तरफ रुझान जे अहाँके बढ़ल, तऽ एकटा ई कहल जा सकैए कि पैशनके फॉलो करू आ बादमे तऽ बहुत सारा दरवाजा खुलि जाइ छै। हाँ, पैशनके फॉलो करै लेल कनि हिम्मत करऽ पड़ै छै डेफिनेटली। ओहिमे ओहिमे एक दूटा चीज होइ छै, जेना आब ओहिके लेल कनि पेरेंट्सके सेहो एकटा रोल होइ छै, जे हमर बाबूजी माँ हमरा सबके ओहि चीज सबके लेल ट्रस्ट केलथि। हमर सबके तीनू भाइ, तीन भाइ छी हमसब, तीनू गोटाके अपन अपन टाइपके काज करै छी। आब छोटका आब जाकर रिसेंटली फ्रीलांसिंग जॉब छोड़ि कऽ आब कॉर्पोरेट जॉबमे छै, लेकिन हमसब सब फ्रीलांसे काज कयने छी। वी आर ओके विद दैट। तकर बाद अहाँके ओहिमे हम देखै छी जे हमर ओहिमे अहाँके फैमिली कते सपोर्टिव होइए, अहाँपर कते नहि लऽ दैए चीज सेहो होइ छै। हमर बाबूजी सब हमरा सबके लकीली इहो एकटा एसेट रहलै जे बड़ा मित्रवत व्यवहार कयने छथि। ओ बड़का एसेट छै, ओ हमरा सबके अपना होबऽमे जेहे छी ओहिमे बड़ा मदद कयने, ओ बड़ा इम्पोर्टेंट टूल छै के। आ दोसर चीज, एकटा चीज ओहो हम नहि मिस करऽ चाहै छी कतहु बाजैत, जे हमर बाबा हमसब बच्चासँ हमर बाबा सब साथे हमरा सबके बड़ नीक, हमसब बड़ बच्चामे बड़ पढ़ने छियै। बाल साहित्य है, नंदन बाल हंस तहिया सब अबै, चंपक तम्पक सब अबै, सुमन सौरभ सब अबै, आरो भी कनि बहुते चीज माँक लै अबै, सरिता कदम्बनी मनोहर कहानियाँ गृहशोभा, कहियो कालके बूढ़ा बाबा लै गीता प्रेस गोरखपुरके कल्याण मैगजीन अबै। हमसब बच्चामे बड़ पढ़िए के, तऽ आ बादमे जाके फेर जनकपुर तनकपुर तऽ एम्हर फेर सिनेमा एहिमे किताब धऽ कऽ आ हॉलमे थर्ड क्लासमे सिनेमा देखैवला फेर सेहो शुरू भेलै, तऽ सब कनि कम भऽ गेलै। तऽ आब बुझाइए जे बा एतेक बादमे जाके पढ़ऽ लगलियै, जब आब जतेक बाँकी अइ जिन्दगी ताहिमे कहिया पढ़बै आ कहिया जिन्दगी बेटर करबै सेहो अथी होइ छै। लेकिन एट द सेम टाइम जब जागा तब सवेरा पढ़ै छियै, अध्ययन करै छियै, सब रङ्गके चीज पढ़ै छियै। अपना सब लग एकटा चीज आरो लास्टमे ऐड करब, जे अपना सब पुरान चीज सब साहित्य सब छै, तऽ हमरा नेपाली साहित्य ओतेक टच नहि करैए, सॉरी, हम कहलियै कि हम सीमांचलवला एरियामे छी, हमरा सबके बच्चेसँ इंग्लिश हिन्दी पढ़ने छियै बेसी, इंग्लिश पढ़ने छियै बेसी, लेकिन हिन्दी खास करके बेसी पढ़ने छियै। ताहिसँ मैथिलियो चीज सब छै, नेपालियो चीज सब छै, हम एहिठाम कतौ लिमिट नहि कऽ रहल छियै एकरा, लेकिन हमरा बेसी हिन्दी चीज टच करै। ओहिमे सेहो बहुते चीज सब छै कि कथा सब पढ़क चाही, फिक्शन नॉन फिक्शन सब पढ़ू, बहुते राइटर सब छै, इंग्लिश अगर डिफिकल्ट बुझाइए तऽ हिन्दी पढ़ू, नेपालियो पढ़ि सकै छी, मैथिलियोमे किछु किछु चीज सब हेतै से सब पढ़ू, लेकिन ओ सब स्टोरी सब पढ़लासँ सेहो जते बेसी पढ़बै तते बेसी आइडिया सब होतै से हमरा बुझाइए। चलू प्रभात जी, आइ अपने एकदम अपन अमूल्य समय देलियै, ओहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर छी कि मतलब अहाँके बात सुनिकऽ बहुत यूथ सब इंस्पायर हेतै। आ ई पॉडकास्टके मेन मकसदो कहल जाए तऽ वएह छै कि सही लोक सब बातचीत कऽ कऽ ओहि फील्डमे, ओहि करियरमे की केना लोक अपनो करियर डेवलप करऽ सके, हम चाहै छी वएह लोक तक, यूथ तक पहुँचे, अपन भाषामे पहुँचे, ताहि लए अपने सब आरामसँ मैथिलीमे बात कऽ रहल छी। तऽ अहाँ जे अपन समय देलियै ओहिके लेल फेरसँ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, फेर अपना सब एहिना कहियो फेर बैसकऽ फेर बातचीत करब विभिन्न विषयपर। आइके लेल धन्यवाद। डेफिनेटली, खुशी लागल।